हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आपने भी कभी रेस्टोरेंट स्टाइल में सांभर बना के खाया है? तो आज मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सांभर बनाने नहीं आता था और मुझे बार बोल थका था कि सांभर बना के खिला। तो आज मैं ट्राई पहले फ़ोन से देखा, फिर मैं के दिखाती हूँ। तो पहले तो ये जो रेसिपी शेयर हो रही है, ये आगे की वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं सांभर और करते हैं ट्राई। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, अगर उसको हम सीखें तो वो आ ही जाता है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन यूट्यूब खोला तो मुझे सांभर की रेसिपी दिखी, तो मैंने सोचा आज चलो ट्राई करें सांभर बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे कुछ सब्जियाँ कट की हुई। तो मैंने इसमें लिया था बीन्स, लौकी, आलू एंड पत्ता गोभी एंड टमाटर। तो इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली थी थोड़ी सी दाल भिगो के, जो हमारी हरा हर की दाल होती है ना, उसको लेते हैं। वैसे मुझे ये पसंद नहीं थी, बट खाया तो इतना टेस्टी बना था ना। तो इसको मैंने 5 या 10 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। फिर मैंने इसमें डाला ऑयल और फिर मैंने इसमें थोड़े से डाले खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में हम ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाते हैं, तो मैंने इसमें लिया था धनिया, जीरा एंड मेथी। थोड़ी सी मेथी डालनी होती है, वो हम हर रेसिपी में डालते हैं। और थोड़ा सा हींग भी अच्छा होता है, और चॉप किया हुआ ऑनियन और लहसुन, थोड़ा सा 2 की कलियाँ डाल सकते हो। आप ज़्यादा गर्म चीज़ें खा लेते हैं तो आप उसमें लौंग, इलायची, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे कट किए हुए टमाटर, इसको थोड़ी देर पकाएंगे और इसमें साथ में ही हम डाल देंगे सब्जियां, क्योंकि एक साथ ही पकानी होती है। टमाटर को भी हम ज़्यादा गलने नहीं देंगे, साथ साथ में ही ऐड कर देंगे। तो उसके बाद मैंने ये सारी चॉप की हुई कट की हुई सब्जियां धो के डाल दी इसमें। तो आप भी इसको इसी तरह, और फिर डालेंगे हम केचप सांभर मसाला, वो ऐड कर सकते हो आप, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो मसाला, या मैगी मसाला वो भी डाल सकते हो। फिर डाला मैंने हल्दी, नमक एंड गरम मसाला, जिसमें था लौंग, इलायची और जीरा, धनिया, ये हम इकट्ठा पीस लेते हैं, तो वो डाल दिए। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। आप कलर देख सकते हो सब्जियों का कितना प्यारा। इसको हम 5 मिनट पकाएंगे ढक्कन दे के, और उसके बाद हम ये जो भिगोई हुई दाल है सांभर की हरा हर की, उसको ऐड कर देंगे और हम इसको भी थोड़ी देर पकाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 गिलास पानी। इसको हम, अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो आप ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हो, हम बाद में भी पानी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से फिर से गरम मसाला गया, और थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने डाला अमचूर। आप इमली का पाउडर भी डाल सकते हो, या फिर आपके पास अमचूर है आम की, जो होता है आम का कट करके सुखा के जो बनता, वो भी डाल सकते हो। और अभी हम इसको लगाएंगे 2-3 सीटी। 2-3 सीटी लगने के बाद ये अपने आप पक जाएगा। फिर आपको इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना, 2-3 सीटी ही लगवानी है। तो ये देखिए, फाइनली हमारा सांभर बन के रेडी है। ये ज़्यादा सब्जियां नहीं दिखनी चाहिए, मतलब बाकी नहीं दिखनी चाहिए। आलू और लौकी तो गल गई थी, वैसे आलू दिख रहे थे, तो ये मुझे ज़्यादा थिक लग रहा था। तो फिर मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया, और यहाँ लिया था कड़ी पत्ता, धनिया एंड मिर्ची को कट किया था बीच में से, और इसमें डाला जीरा। और उसमें देखो आग कैसे निकल रही थी ऑयल में, इसको जैसे हम जलाते हैं ना तो इतनी आग आती है ना, ऊपर डर जाता बंदा। तो आप भी ध्यान से करें अगर ऐसा तड़का लगाएं तो। मुझे कड़ी में भी ये तड़का बड़ा पसंद, सांभर में भी, मतलब इसका कुछ अलग ही आता है। तो हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर जो ये हमारा सांभर बन के रेडी है, हम उसमें इसको ऐड कर देंगे और ढक्कन दे देंगे, ताकि इसकी जो, मतलब ये धुआं निकलता ना, इसी का टेस्ट आता है। तो ये देखिए, फाइनली हमारा सांभर बन के रेडी है, और आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करें एंड ऊपर हरा धनिया डालें एंड इसको एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ट्राई ज़रूर करें सांभर बनाने की, और काफ़ी अच्छा बनता है, टेस्ट भी होता है, तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कमेंट में करना अगली वीडियो।